अवंती फेलोज ने पढ़ाया था, बट पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है। नाइन्थ के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ मैं। सो नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के चार क्लासेस तो पढ़ा लेती हूँ मैं मोस्टली। पूरा अब कितने जोर से बोलूं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। अब कितने जोर से बोलूं भाई, अब क्या चाहते हो? अब इससे ज्यादा मैं कितना जोर बोलूं? सबको क्या मेरी आवाज धीरे आ रही है? नो नो मैम, होगा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है और थोड़ा फोन का वॉल्यूम वगैरह भी चेक कीजिए। मैं अपने लैपटॉप में हमेशा वॉल्यूम चेक करती रहती हूँ, तो यहाँ पे तो फुल ही रहता है हमारा। यस मैम। हाँ जी, तो स्क्रीन तो शेयर्ड है, आज का क्लास भी जरा मैं देखूँ कौन सा लेना है। यस यस मैम। मैम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। स्टार्टिंग के बाद इसमें तीन चार क्लास तो जाएगा आपका, तीन से चार क्लास जाएगा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ाने हैं उसमें। मैम हमारे यहाँ तो बिजली गरज रही है। मैम हाँ, बिजली गरज रही है। अभी मेरे यहाँ पे बारिश बंद है तीन अभी चार दिनों से, बट मैं सोच रही हूँ क्यों बंद है। बारिश रहता है तो अच्छा रहता है, ठंड रहती है, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाती है कभी कभी। मैम आपके घर कहाँ पे हैं? लो, पूरी रामायण हो गई। अभी आप पूछ रहे हो, मेरा घर है अंडमान में। अंडमान का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, यूनियन टेरिटरी है, बहुत मैम अलग। सीधे अंडमान हाँ जी, में? मैम पूरे अंडमान में ही है मतलब? पूरे अंडमान में यही एक सिटी है पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे मैं रहती हूँ, और बाकी सब इंटर आइलैंड है, यानी कि टापू है, जहाँ पे ना नेटवर्क मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ओके फाइन, रिकॉर्डिंग भी ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गुड आपका इवनिंग लोक, मैम। वेरी गुड इवनिंग। लोकस मैंने पढ़ा दिया है ना आपको बच्चों? यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ। कल क्या हुआ, मुझे नाइन्थ का क्लास लेना था। अब मुझे कंफ्यूजन हो गया, मतलब कि मैंने नाइन्थ को लोकस पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ाया था, या टेंथ को पढ़ाया था, पूरा कंफ्यूजन में कल। फिर मैंने नाइन्थ को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया वहां पे भी। आज का डेट कौन सा है? 2 अगस्त है ना आज? 2 अगस्त हाँ, 2022 2023 ट्वेंटी फोर पिछले साल चले जाए ना, गलत गलत लिख पाओ मुझसे। तो बच्चों, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है? और हमने लोकस में भी थोड़ा बहुत इसको देख ही लिया है, मगर कोऑर्डिनेट में स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सीढ़ियां ना चढ़ो और डायरेक्ट सोचो कि हम मंदिर भी चले जाए, पैराशूट से लैंड कर ले। कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क होता है, तो सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है भाई? स्टूडेंट का ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर ही है। कन्वेंशन ऑफ साइंस जो होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइंस आएंगे, पॉइंट्स ऑन द प्लेन, प्लेन पे आपको पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लोकस में देखा था आपने। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट होंगे, देख के लगेगा कि सब एक ही जैसा है, मगर जब अंदर जाओगे तो पता चलेगा थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड जो हमारे चैप्टर के बारे में हमें सारी जानकारी दे रहा है। शीर्षक जो है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देश देना मतलब किसी को निर्देश देना, मतलब मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। इंस्ट्रक्शन हाँ, कि आपको देना। यस इंस्ट्रक्शन, यस इंस्ट्रक्शन, वही मैं निर्देश का मतलब समझा रही थी कि जो बोलूंगी जैसे रास्ता दिखाऊंगी आप वैसे ही चलोगे। तो जैसे क्वेश्चन हमें रास्ता दिखाएगा हमें उसी के हिसाब से चलना है। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। बोलने का क्या मतलब है कि जो आपके एक्स वाई के प्लेन होते हैं उनमें आप जो बीच में पॉइंट्स प्लॉट करते हो, मिड पॉइंट्स वगैरह, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्व
उद्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इसको तो पढ़ के ही रहेंगे। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जहां पर वो उसे दोनों, बिंदु कहते हैं, यस, इंटरसेक्ट दो करते मिलते हैं। हैं, प्रतिच्छेद इन द सेंस, जहां पर वो मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु मतलब मिड पॉइंट मान सकते हो, या मेन पॉइंट जो भी बोला जाता है। बोलने का यही मतलब ओरिजिन, है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन, यस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में ये बता रहा है। मूल बिंदु यानी कि ओ ओरिजिन, लिखी देती हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन प्लेन कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन और ए कोऑर्डिनेट प्लेन, वही बात हो गई, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलोगे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलोगे। बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वही आपका जो एक्स वाई का होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है, पेयर नहीं होता है हमेशा, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस जहां पे आपको ज्योमेट्रिकली आप प्रश्नों को हल करते हो उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही खूबसूरत सा नाम है चैप्टर का और हम सब समझ ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम, यस मैम, यस मैम, आप लोग, मुझे बहुत क्यूट लगता है जब आप लोग यस बोलते हो ना, नो तो नहीं बोलते हो मगर जब भी यस बोलते हो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मोमेंट। तो मैं जब भी नो मैम, रिकॉर्डिंग अब नो भी बोल दिया, यस बोलो, अभी यस बोलने की जरूरत है। तो यस मैम, यस यस स्टूडेंट्स, चलिए मैम, आगे बढ़ते हैं। यस यस, चलिए इंट्रोडक्शन यस मैम, यस मैम, फिर पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई। यस लेट एक्स डैश ओ एक्स, तो एक्स डैश भी आपके सामने बना हुआ है, ओ तो है ही और एक्स भी बना हुआ है। वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इन अ प्लेन, तो जो जो इसने बोला है ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दंडवत द्विभाजक, ठीक है। दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड रेफरेंस लाइन्स। अच्छा क्या होगा ना कि अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सब कुछ छोटा छोटा सा अच्छा अच्छा लग रहा है छोटे क्लास में, जब आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में जाओगे, इलेवेंथ में, तो वहां पे आपको हर जगह पे थोड़ा अलग ही नाम दिखेगा, जैसे रेफरेंस लाइन बोला जाएगा, तो उस वक्त आपके दिमाग में आना चाहिए ओ रेफरेंस लाइन, अच्छा अच्छा इस टू लाइंस को बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, सबको पता है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होता है, वर्टिकल मतलब ऐसा होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस दैट इज जीरो इज कॉल्ड द ओरिजिन। द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन। बार बार इसने क्या किया है, चीजों को तोड़ तोड़ कर बताया है और 10 सेंटेंस क्रिएट कर दिया है, मतलब वही है अपना जो आपके सामने यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ये फिगर भी क्लियर है हमारे सामने। अब इन्होंने परपेंडिकुलर बनाया था, यानी कि ये M जो था ये Y के परपेंडिकुलर हो गया था, L जो है X एक्सिस में परपेंडिकुलर हो गया, और दोनों जहां पे मीट कर रहे थे उसको इन्होंने पॉइंट P दे दिया है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो रहेंगे ही उसके पॉइंट, बस यही है। यस मैम, यस देन, यस मैम, यस मैम, देन आता है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में अगेन वो सेम फिगर को देखकर हमें समझना है, पी बी ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अब जो हम फिगर बनाते हैं ना, फिगर अगर आपको डायग्राम खुद से बनाया है तो हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये क्यों बनाया, ये कहां से आया, तो वही इन्होंने किया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएल एंड पीएम टू एक्स एक्सिस, सो पीएल और पीएम को हमने ऑलरेडी बना रखा है। देन पीएल इक्वल्स टू वाई एंड पीएम इक्वल्स टू एक्स, द पॉइंट पी इज टेकन एज एक्स वाई, हमें पता है एक्स वाई ही होगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो वाई एक्स लूंगा, तो भाई ऐसे मत लेना, नंबर कट जाएंगे, जब एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई लिया करो। यस मैम,
उसके बाद एक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट और एप्सिका, ये भी एक नया वर्ड हमें सीखने को यहाँ पे मिला, एप्सिका, एप्सिसा, एप्सिसा, एप्सिसा प्रोनाउंस करते हो आप लोग? अच्छा नाम लग रहा है. एंड वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. एक्स को तो इतना सुंदर नाम दिया और वाई को देखो सड़ा सा नाम देके छोड़ दिया है. ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी. तो मैम आप बहुत अच्छे, मैम बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी हूँ. तो आप लोग कौन सा बुरे हो, आप लोग भी तो अच्छे हो. स्टूडेंट अच्छे हैं तभी तो टीचर भी अच्छा है. मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट किए हैं, थैंक यू. अब ये देखिए कन्वेंशन ऑफ साइंस, ये भी हमने पढ़ लिया है लोकस में. टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, यही बताया है इन्होंने दो लाइन में. वैसे आप लोगों को पता है, फिर भी मेरे लिए जरूरी था यहाँ पे आपको एक बार याद दिलाना. देन इन्होंने क्या किया है, इफ एक्स वाई इज अ पॉइंट इन द प्लेन एंड क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ये चार क्वाड्रेंट जो हम बनाया करते थे किसी जमाने में, तो जमाने को याद कर लेते हैं अभी हम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ, अब बस एक यस पकड़ के बैठ जाओ आप लोग ना. तो ये हो गया मेरे, yes, ma'am. ये क्यू मैम. यस मैम. अरे पता है, कोई अगर हमारी क्लास देखेगा तो सबको लगेगा ये लोग पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं. मुझसे पूछा जाएगा आप बच्चों को खिला रहे थे कि पढ़ा रहे थे. मैम खेल के पढ़ने में से मैम ज्यादा जल्दी याद होता है. मैम दोनों खेल खेल के पढ़ रहे हैं हम लोग भाई. मैम ज्यादा जल्दी याद रहता है मैम. हाँ, टॉप टॉप ही करोगे इतना तो कंफर्म है. अभी से आईआईटी की खोजबीन कर रहे हो, जेई आईआईटी में कैसे जाते हैं पक्का है आपका टॉप. अच्छा, एक्स एक्स की बात कर रही हूँ मैं. ये क्या है, मेरा क्वाड्रेंट है ना. सो क्वाड्रेंट पहले वाले में तो दोनों ही पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव. यस, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो गया. एक्स वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव या वाई नेगेटिव. वाई नेगेटिव. एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव. नेगेटिव नेगेटिव इधर दोनों ही नेगेटिव. हाँ, और यहाँ पे आप नेगेटिव. तो ये दोनों क्वाड्रेंट आपके सेम होते हैं, क्यू टू एंड क्यू फोर. ठीक है, ये क्यू टू में भी तो आपने एक पॉजिटिव रखा है. एंड क्यू टू में नेगेटिव. Yes, देख लो ना. सेकंड अगर नहीं भी आता है, भूल भी गए, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो. नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल लगाते हैं. x is less than zero, मतलब x negative हो गया. y is greater than zero, मतलब y positive हो गया. ठीक है, नकल ही कर लेते हैं. यहाँ पे चार दिया हुआ है, हो गया क्वाड्रेंट बन गया अपना. यही चीज यहाँ पे बता रहा है, और इसी चीज को दिमाग में रख के चलना है. इलेवेंथ क्लास में इसका कंसेप्ट बहुत धमाकेदार वाला काम आएगा. Yes, हेलो. बहुत सारा हमने देख लिया, ये वो ये वो. यस मैम. जरा सॉल्व करते हैं. इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो, देन एक्स माइनस वाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट. अच्छा ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट. ना ना, देखो यहाँ पे जल्दबाजी में जोश में नहीं बोलना है. आप देखो कि एक्स के बाद माइनस वाई है, माइनस वाई का क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे उसको. सेकंड क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट तो अभी मुझे भी नहीं पता कौन सा है, सच बताऊं तो. मैं भी जा रही हूँ लेके सॉल्व करने, मैं भी देख ही रही हूँ क्वेश्चन को करना कैसे है. x is greater than 0, y is less than 0, और अपने को ये क्या पूछ रहा है कि x, minus y is equals to किस क्वाड्रेंट में ये लाइक करेगा. x2, x3, फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ बोल रहे हो, किस बेसिस पे फोर्थ बोल रहे हो आप लोग, क्यों बोल रहे हो. फोर्थ में मैम एक्स पॉजिटिव आता है और वाई नेगेटिव आता है. एक्स पॉजिटिव आता है, पर इस इक्वेशन में ऐसा होता है कि एक्स पॉजिटिव होता है और
y नेगेटिव में होता है। लेकिन यहाँ पे तो माइनस वाई है ना, देखो आपने सही बोला कि वाई हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मगर देख लो जैसे ऑलरेडी नेगेटिव है, वाई ऑलरेडी नेगेटिव होता है, उसमें भी माइनस वाई है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया ना। देखो यहाँ पे पॉइंट को देखो, यही तो हमारा पूरा ट्रिक है इस क्वेश्चन का। सबको लगा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ मैम बता सकते हो, मैम समझ नहीं आया ये, फिर से बता सकते हो? बता रही हूँ सुनो, देखो हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो x को छेड़खानी नहीं करना है हमें, और आपसे जो पूछा है x कॉमा माइनस वाई, तो x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे भी x पॉजिटिव, ठीक है, मतलब x हमारा पॉजिटिव कंफर्म हो गया। अब आती है y की पारी, तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि y इज लेस देन 0 मतलब y इज ऑलरेडी नेगेटिव हियर, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और हमें नेगेटिव y के बारे में बताना है। तो ये y और ये y एक ही है बच्चों, ये इसका भाई भी नहीं है, एक ही चीज है जो इन्होंने माइनस करके हमें दिया है। तो ऑलरेडी जो माइनस है, एक और माइनस अगर उसमें जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकती हूँ कि y भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका? आप देखो एक छोटी सी चीज ने कैसे आंसर को बदल दिया, इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, ये जो मैं बता रही हूँ उस चीज को आप याद रखो। फोर्थ आता अगर यहाँ पे वाई रहता तो, मगर माइनस वाई की वजह से क्वाड्रेंट चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन, मैम इसमें क्वेश्चन में तो वाई is less than 0 है, तब ये आपको आंसर में कैसे आया? सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में y less than 0 है, ठीक है, less than 0 मतलब आपका y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि फर्स्ट वाला में जब x आपका पॉजिटिव था, आप x को देखो पहले, ये आपको जो निकालना है वहां पे भी x पॉजिटिव ही है ना, x के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। बट ये जो y लेस देन 0 है, यहाँ पे माइनस y निकालना है, इस माइनस y का मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। अगर आप मेरी इस चीज से एग्री नहीं हो पा रहे हो तो आप ही बताओ माइनस y का क्या करेंगे। हाँ माइनस y है और ऑलरेडी y छोटा है 0 से, 0 से छोटा का मतलब ही होता है कि वो माइनस रीजन में फॉल कर रहा है, जो ऑलरेडी माइनस है उसमें एक और माइनस अगर जुड़ जाए तो वो प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। Yes, हाँ, और कोई चारा है हमारे पास इसको मानने के सिवा? और कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई मेथड ही नहीं है, माइनस वाई का क्या करोगे आप, इसको लेके चलोगे तो इसको कहाँ छोड़ोगे जो पूछ रहा है आपसे? आपसे तो मेन ये पूछ रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है, इसको तो बस हमें एज अ रेफरेंस लेना है। समझे बच्चे, कोई डाउट अभी भी? नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है भाई महाशय? द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2k-3 एंड 4k-7 इज 3, फाइंड k। अच्छा तो इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है और वहां से स्लोप निकाल देना है। तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको अगर बता दूं, m स्लोप को m से हम लोग डिनोट करते हैं, m स्लोप इज इक्वल्स टू होता है आपका चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई, या फिर अपॉन बोल लो जैसे भी आप लोग बोलते हो, मैं तो बचपन से डिवाइडेड बोलते आई हूं तो आदत हो गया है मुझे, डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट। इसका मेन फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलता जुलता है, y2-y1 अपॉन ये क्या होगा आपका x2-x1 m is equals to, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है मदद मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, सो पॉइंट्स अगर मैं लिख दूं यहाँ पे
टू कॉमा ए माइनस थ्री एंड फोर कॉमा माइनस सेवन इज थ्री. इस थ्री किसको बोल रहा है ये? सो इस थ्री स्लोप को बोल रहा है क्योंकि स्लोप ही तो आपका क्वेश्चन में दिया है कि द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग. सो स्लोप आपका थ्री हो गया है. अगर मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ इसको तो मेरे को क्या मिलेगा? थ्री इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा माइनस सेवन प्लस आपका क्या हो जाएगा ये थ्री माइनस के मैं लिख सकती हूँ वाई टू माइनस वाई वन. मैंने साइन चेंज कर दिया बस मैंने के को माइनस कर दिया थ्री को प्लस कर दिया ठीक है. यस मैम. अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि फोर माइनस टू तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस के अपॉन ये कितना हो जाएगा नीचे मेरा टू हो जाएगा. सो सिक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा माइनस फोर माइनस के एंड दिस k इक्वल टू मेरा हो जाएगा ओनली टेन होगा क्या? माइनस टेन माइनस कर दो माइनस माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों. हालांकि उतने मार्क्स नहीं कटते मगर फिर भी आधा एक नंबर क्यों गवाना अपना ठीक है. मैम एक बार फिर से यहाँ से समझा. हाँ हाँ समझा देती हूँ ठीक है. ये एक फॉर्मूला है स्लोप का. आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एक लाइन का फॉर्मूला है बस इसको याद रख लो. बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में मत जानो. मेन तो अपने को फॉर्मूला से काम है. तो ये है स्लोप का फॉर्मूला. और क्योंकि क्वेश्चन मुझे स्लोप से रिलेटेड आया है तो मुझे क्या करना है इसी फॉर्मूले में जो है पुट करना है. जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते थे एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन अंडर रूट. ये फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. अब स्लोप को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब जो ऐसे स्लोप होता है ऐसे उतरते हैं तो कोई स्लोप होता है ना ग्राफ में बनाते हैं हम उसी को समझ लो. स्लोप दिया है आपको थ्री ठीक है. थ्री स्लोप दिया है और आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं तो हमें क्या मालूम है एक्स वाई होते हैं ये. yes, ये मेरा y हो गया तो ये मेरा y1 हो गया ये मेरा x1 हो गया तो ये x2 हो गया. पॉइंट्स भी मेरे पास है बस मैंने को क्या करना है फॉर्मूले में लगा देना है. तो मैंने फॉर्मूले में लगा दिया बस एक ही चेंज किया कि ये जो y1 था मेरा k माइनस थ्री था मैं उसको k माइनस थ्री रख के भी करती मगर मैंने प्लस चेंज कर दिया साइन को जिससे मुझे सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो गया ठीक है. उसके बाद मैंने नीचे क्या किया x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा दिया और उस तरीके से मेरा निकल के आ गया आंसर. और तो इसमें कुछ है नहीं खास. यस मैम. फॉर्मूला देखो फॉर्मूले में पुट करो बस आ गया आंसर. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा अब ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग बचपन में खेलते थे इसको लेकर के जो अभी आपके जेई वगैरह के बुक में दिया होता है. ये क्वेश्चन मैंने आपका अगेन जेई फाउंडेशन वाले बुक से ही उठाया है. पिछली बार किसी बैच में लगता किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम आप क्वेश्चंस कहाँ से कराते हो जो ये आप बनाते हो? तो कुछ क्वेश्चन मतलब पॉइंट इधर उधर करके हम लोग बनाते हैं बाकी देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है. मैंने पूछा था. आपने पूछा था? अच्छा चलो ठीक है. तो क्या करें सबसे पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं. x डैश जीरो एक्स वाई और ये हो गया आपका y डैश वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव तक भी जाने की जरूरत नहीं. फोर तक ही पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. अच्छा अच्छा अभी मुझे बच्चे एक बात बताएं कि माइनस फाइव बड़ा है कि माइनस थ्री बड़ा है? बड़ा कौन सा है? माइनस थ्री. माइनस थ्री बड़ा है. ठीक है सारे बच्चों का जवाब माइनस थ्री आया. बीच में किसी ने माइनस फाइव भी बोला तो जिन्होंने माइनस हाँ माइनस थ्री माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है.
यस मैम अच्छी बात है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे तो अब A 2 3 है हमारा तो 2 3 अगर ये कह रहा है तो हम कहाँ पॉइंट करेंगे भाई x पे आपका 2 पॉजिटिव 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसको मिलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ उसके बाद b माइनस 1 2 तो अब ये कहाँ जाएगा अरे राजधानी एक्सप्रेस रुक जाओ थोड़ा सा मैं कर रही हूँ यहाँ पे पॉइंट एकदम राजधानी की तरह फटाफट बोले जा रहे हो आप लोग -3 -2 ठीक है -3x और यहाँ पे -2 अभी एक नया ट्रेन लॉन्च हुआ है ना वंदे भारत ना यस मैम वंदे भारत एक्सप्रेस यस मैम मैंने देखा है कि बहुत अच्छे उसके मतलब फैसिलिटीज होते हैं सो आई विश कि मैं भी कभी उसमें ट्रेवल करूं मतलब मगर जाऊंगी कहाँ मुझे ये पता नहीं है मैम हिमाचल चलाना हाँ यस मैम मतलब खाली हिमाचल ही आना ना मुझे ठीक है तो D मेरा 4 -2 तो ये इधर वाला 4 और इधर वाला -2 मिल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग का बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आप लोग ट्रेन वगैरह में भी जर्नी कर लेते हो यहाँ पे तो पानी के बीच में नाव है नाव में बैठ के जाओ जहाँ जाना है और हम आने वाले हमारे भी ड्रीम है हम भी यस मैम ड्रीम है ना मैम हमारा हो जाएगा पूरा मैम 2-3 साल में मैम बन रहा है मैम इधर 4 लेन के पास रेलवे स्टेशन अच्छा अच्छा बन रहा है वहाँ पे यस मैम यहाँ पे तो पता नहीं अगले जन्म तक भी बनेगा कि नहीं क्योंकि मैप से ही अलग है हमारा तो ये जो यूनियन टेरिटरी है हम लोग भगवान भरोसे रहते हैं बच्चों पूरे पानी के बीच में है हमारा आइलैंड समझ जाओ हर पल यहाँ पे जिंदगी का खतरा है मगर फिर भी खुश रहते हैं आराम से रहते हैं मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कल का क्लास में ले पाऊंगी ना बच्चों का फिर मैं बोलती हूँ हाँ हम लोग इसी उम्मीद में तो जी रहे हैं ना कि जिंदगी बहुत लंबी है बहुत लंबी उम्र है यस मैम यस मैम यस हमारे पास में अंडमान से पास में कौन सा आइलैंड पड़ता है हमारा आइलैंड नहीं कंट्री है ना वो क्या है थाईलैंड सिंगापुर वगैरह यहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पर है ऐसा लग रहा है ऐसे बस में चले जाएंगे ना मैं ऐसे बोल रही हूँ जाना तो फ्लाइट से ही पड़ेगा और चाइना का भी कोई आइलैंड है यहाँ पे जिसको लेके चाइना ना बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था और हम लोगों को परेशान कर रखा था एकदम आपके ये जो एयरपोर्ट्स मैम ट्रांसपोर्ट करता है मैम अपना मैम शिप के थ्रू क्या शिप का मैम ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करता है मैम वो अपने सामान का मैम उस आइलैंड के थ्रू हाँ करते हैं तो बीच में उसने अंडमान पे नजर डाली थी ना अपनी तो इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना शिप भेजा था यहाँ पर तो हमारे यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस चल रही थी लड़ाई झगड़े की दिन में 10 बार हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि प्लेन ग्राउंड तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है यहाँ पे सब कुछ बहुत पास पास है मेन सिटी में हम लोग रहते हैं हम लोग रह ही नहीं पा रहे थे बीच में इतनी प्रैक्टिस हो रही थी लड़ाई झगड़े की यहाँ पे मुझे तो लगता है वर्ल्ड वॉर 3 जो 3 या 4 जो होने वाला है वो अंडमान से ही ना शुरू हो जाए बहुत टेंशन था मुझे फिर सब टल गया पता नहीं कैसे कैसे अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं द पॉइंट पी लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 units फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 units फ्रॉम वाई एक्सिस ये बस हमें उल्लू बना रहा है क्वेश्चन और कुछ नहीं घुमा रहा है खाली इसमें करना ही क्या है कोई भी कर लेगा इस एक्स एक्स डैश ओ वाई वाई डैश अच्छा 4 units फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा अपने को 3 units फ्रॉम वाई एक्सिस तो ये 3 units जो है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा मतलब ये पॉजिटिव में लाई करेगा या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव में ठीक है चलो 3 positive है आपकी मान के मैं भी ऊपर ही कर देती हूँ वाई में लेकिन ये क्या कह रहा है द पॉइंट पी लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव
हाँ सुनो तो पॉइंट तो कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, तो पी मतलब यही कहीं बीच में बनेगा, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा 4 यूनिट एक्स एक्सिस से हो गया। और क्या कह रहा है, 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब बच्चों मैं 3 यूनिट वाई कहाँ जाऊँ बनाने, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना मेरा, तो इसका मतलब मेरा 3 जो था वो माइनस 3 था और 4 4 था। यहाँ से मुझे इसने बोला था कि तुम मुझे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकाल करके बताओ, तो ये मेरा कितना हो गया जो है 4 कॉमा माइनस 3 माइनस 3। आई होप कि हम सही लिख रहे हैं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं, मतलब हाँ होता ही है। और अभी ऊपर वाला 3 गया काम से, तो हमको ऐसे करके निकालना था, और हम लोग मस्त में क्या कर रहे थे, हाँ हाँ 3 तो वाई में जाएगा। यही तो दिक्कत होती है, लगता है कि सब आता है, मगर अगर पढ़ के करने जाओ 4 बार में 4 तरह के आंसर निकलते हैं। ये तो बहुत आसान आसान है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं आपके, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वाले होते हैं, मगर क्योंकि 10th में आपका उसका कंसेप्ट है नहीं, सो मुझे बताने की इतनी जरूरत लगी नहीं आपको। आगे पढ़ोगे आप, देन देखो पॉइंट्स ऑन द प्लेन, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है हमें, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, डिस्टेंस मतलब सबको पता है दूरी, तो पी हमारा एक ऐसा बिंदु है जो एक्स एक्सिस के दूरी पर है 0 से, यानी कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है वो चीज, वेरी गुड। हेंस पॉइंट पी कैन बी टेकन एज एक्स 0। अच्छा, कोई पॉइंट अगर 0 से दूरी पर है तो उसको हम एक्स 0 लेंगे, अगर वो एक्स एक्सिस में है, एक्स अक्ष में है, तो इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। लेट पी डैश बी अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, पी डैश जो बिंदु है उन्होंने वाई एक्सिस पे ले लिया है, और उसकी भी दूरी आपकी ओरिजिन से इन्होंने ली है, तो जब ओरिजिन से दूरी ली है तो पहले आपका 0 आ गया फिर वाई आया, उसी तरीके से एक्स वाले में पहले एक्स आया बाद में 0 आया। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई लेते हैं, तो बस इन्होंने ओरिजिन बोल दिया, तो एक्स वाले में क्या होगा, पहले एक्स लिखेंगे बाद में 0 लिखेंगे, वाई वाले में क्या होगा, पहले 0 लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे। इतनी सी बात इन्होंने समझाई है। ठीक है, हमें समझ आ गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। देन देखिए आगे हमारा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। अब इसको क्या ही करना है, इसमें तो सभी एक्सपर्ट हैं, फिर भी देखते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स ए, एक्स वन वाई वन। ठीक है, एक्स वन वाई वन, वाई एक्स टू वाई टू का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर चुके हैं लोकस में। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एल एंड बी एम फ्रॉम ए एंड बी टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष में हमें दंडवत बनाना है, दंडवत भी बना देंगे, ए एन परपेंडिकुलर होगा आपका ए टू बी एम में। तो ये जो कह रहा है वो हमें बस क्या करना है कि डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है, मतलब बना देना है। उसमें एक राइट ट्रायंगल बनेगा जहां से ये फॉर्मूला निकलेगा, फिर वहां से एक फॉर्मूला निकलेगा जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इन्होंने आपको क्या बताया है कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, 2 स्टेप्स में करके बता दिया है। बट हमें क्या, हमें ज्यादा पंगा भी नहीं लेना है, बस समझ लेना है कि अच्छा ऐसे ऐसे है, उसके बाद हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर इसके कंसेप्ट की हम बात करें तो कंसेप्ट ये रहा आपका, जो वो हमें वहां पे कह रहा था कि पहले आप परपेंडिकुलर बनाओ, फिर वहां से आपका एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, फिर वहां से आपने ओ वाई वन ओ वाई टू लिया है, एक्स टू वाई टू लिया है, वाई टू माइनस वाई वन लिया है। इस तरीके से इन्होंने हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके बताया है, ए बी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर अंडर रूट में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। आप बोलोगे कि ए कहाँ है, तो ए यहाँ पर है जो कि इस डायग्राम में दिखना भूल गया है ना। तो ये हमारा वो कौन सा पाइथागोरस थ्योरम होता है ना बच्चों, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर रूट में चला गया, डिस्टेंस फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है, चलो ये डायग्राम भी देख लिया हमने। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -4, 5 एंड 2, -3।
फॉर्मूला लगा कर देखते हैं क्या आता है आंसर। ए ले लेती हूँ मैं माइनस फोर कॉमा फाइव को, एंड बी ले लेती हूँ मैं टू कॉमा माइनस थ्री को। डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं लिख सकती हूँ ना डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला। यस मैम। जीरो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया है रूट एट। हाँ रूट एट बता रहे हो? देखते हैं यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ना थोड़ा, देखते हैं आप जो रूट एट बता रहे हो अगर आ जाता है तो। x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा मेरा 2 माइनस 4। ऑलरेडी माइनस 4 है सो 2 माइनस माइनस 4 द होल स्क्वायर मैं लूंगी यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1। अब y2 किधर गया भाई, ये आ गया माइनस 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगी यहाँ पे 4 माइनस 4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाएगा, स्क्वायर करोगे तो थर्टी सिक्स कैसे आएगा वो बताओ मुझे। जैसे कि 4 4 का तो मैंने पढ़ा है 16 आएगा और मैम उसका स्क्वायर होता है 36। यस मैम 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ओके 6 स्क्वायर होता है 36। लेकिन बच्चों मेरी बात भी तो थोड़ा सुन लो टीचर की बात, ठीक है। देखो माइनस 4 है, ये माइनस है, तो ये माइनस 4 जो है आप इसका स्क्वायर नहीं करके माइनस इनटू माइनस प्लस कर रहे हो और फिर स्क्वायर कर रहे हो। यस मैम। यस मैम। और ये जो मैं बता रही हूँ ओके फाइन डन मैं समझ गई। अब जो मैं बता रही हूँ 2 माइनस माइनस 4 को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका कितना आएगा 16, और वो प्लस हो जाएगा प्लस इनटू माइनस माइनस यानी कि माइनस 14। ये आंसर सही नहीं है आप ऐसा कह रहे हो। यस मैम 2 का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है 2 का स्क्वायर मान लो 16 में से 4 गया तो कितना बचा 14 की जगह 12 आ जाएगा माइनस 12, तो माइनस 12 सही हो सकता है क्या आंसर? ये भी हो सकता है। नो मैम नहीं, नहीं होगा ना मैम, आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता, ठीक है वेरी गुड। देखो आपने जो बोला वही सही है, ये बस ना इसलिए मैंने किया था कि मैंने ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ाए हैं और बच्चों ने वो मिस्टेक की थी पहले ही माइनस को स्क्वायर देख करके प्लस कर दिया था जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ पाया था। तो मैंने आपसे क्लियर कर लिया कि अगर मैं आपको गुमराह करती हूँ तो क्या आप मेरी बात मान लेते हो कि हाँ मैम जो कह रही है वो सही है, या फिर आप गुमराह नहीं होंगे? गुमराह नहीं होगी, अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है। ओके ठीक है 36 आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो पहले अंदर का सॉल्व होगा उसके बाद बाहर का सॉल्व होगा। नहीं आएगा डिस्टेंस माइनस 8 जा 64 हो जाएगा मैम 864। इसको तो ऐड करके बता दो कितना आएगा, 6 प्लस 4 10 होता है 0 100। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाह आगे हमारे पास क्या है, गिफ्ट, आज का गिफ्ट है क्विज। क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं अब क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं बच्चों, हर तरफ से कंसेप्ट आप देख चुके हो कि हमें करना क्या है। सो अभी फर्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्या, find a if the distance between points this and this is 13 units slope formula। ना ना यहाँ पे कहाँ से slope formula आ गया, आपको question में slope थोड़ी ना लिखा है, distance formula आएगा, slope लिखा होगा तो आप slope formula में जाओगे। distance okay find distance, a point है मेरा 8 comma minus 7 and
आपका बी पॉइंट क्या है, -4.1। तो ये आपका हो गया है 13 units। तो 13 units क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 13 units इन्होंने डिस्टेंस दे दिया है, वरना और क्या होगा। इफ फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वो ही 13 units इन्होंने दे दिया है। तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, जो है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है भाई, -4 - -8 + y2 कितना है मेरा, 8 + 7 हो जाएगा, -2 - +2। अब अगर हम अरे देखो -7 है ना, और फॉर्मूला में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैंने भी तो प्लस लिखा है। यस मैम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो रहा है, यहाँ से तो ये तो हट गया, इसका रूट हटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144। ये थोड़ा रट लोगे आप भी तो अच्छा होगा, आप लोग को रटा रटाया है शायद। प्लस 8 + 7 स्क्वायर को क्या करेंगे, अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, इसको माइनस कर ले रहे हैं, 169 - 144 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, 8 + 7 होल स्क्वायर 25, 9 - 4 = 5, हाँ ये 25 इज इक्वल्स टू 8 + 7 द होल स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उतना फालतू का टाइम नहीं है अपने पास, स्क्वायर को हटाओ सीधा यहाँ भेजो, आप इसको गिफ्ट दे दो, 8 + 7 इज इक्वल्स टू हमारा हो गया अंडर रूट में 25, है ना, मजा आ गया, दूसरों को टेंशन देने कितना मजा आता है हमें, 5 रुक जाओ 5 आएगा, लेकिन क्योंकि रूट है तो रूट में क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस दोनों आ जाता है ना। दो इक्वेशन आएगा, ए इज इक्वल टू +5 - 7 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -2 देखो अभी यहाँ पे जैसे कि हमको सब कुछ आता था, कुछ भी हमारे लिए यहाँ पे ऐसा कोई बहुत नया नहीं है, मगर अगर हम लोग भूल गए ये चीज कि प्लस माइनस 5 आता है और खाली 5 लिख दिए तो हो जाएगा कल्याण, ठीक है, कल्याण होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, वही अगर हमने याद रखा कि प्लस माइनस आ रहा है, अच्छा दो बार निकालना है तो 2 points आ गए अपने पास, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला जरा देखते हैं, एक और कुछ क्वेश्चन होगा, क्विज था ये, मगर चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग बोलते रहोगे तो क्या ही होगा, उससे अच्छा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बड़ा ही इजी है, ये कह क्या रहा है वैसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, ओके, इक्विडिस्टेंस यानी कि आपका सामान्य दूरी, तो जब भी ये वर्ड आता है ना, ये वर्ड क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम को लंबा बना देता है सॉल्व, ऐसे तो हम कर सकते थे आराम से, लेकिन ये लंबा पी आ जाएगा बीच में, तो पी ए इक्वल्स टू पी भी अपने को लेना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पहले P हमारा y एक्सिस पे है, राइट, तो लेट P बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस,
बोर्ड बोर्ड के क्लास है आपके, तो थोड़ा सा सुंदर सा सेंटेंस लिखने का आदत डाल लिया करो, बोर्ड में ये सब बहुत देखते हैं। 0, y एंड ये जो दो पॉइंट्स है उसको भी मुझे कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैं क्या दे देती हूँ, a दे देती हूँ आपका, और 12, -3 इसको भी a दे सकते हो, मेरी नजर इस पे पहले पड़ गई, एंड b दे देती हूँ 13, 2 ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है दो पॉइंट्स हो गए। अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो कैसे लगाऊंगी, जो है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ऐसे करके ही मेरा जो है फॉर्मूला लगेगा। तो पी अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे रूट में लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एक रूट में आ जाएगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब कोई मुझे पॉइंट्स बताएगा, देखो P और A है तो आपको x2 x1 कौन सा सपोज करना है, P का आपको 0y लेना है और PB का 0y एंड A का, 0y एंड A एंड देन 0y एंड A का, हम x1 0 और x2 12 आएगा फर्स्ट में, x2 12 ओके कहां गया पॉइंट, हाँ तो 12 - 0 द होल स्क्वायर प्लस आपका y2 किधर है भाई, y2 में तो मेरे को लग रहा है कि -3 आ जाएगा ना हमारा, -3 - 0 हमने इसको x2 लिया है तो y2 - 3 हो जाएगा एंड देन -y - y2 इसका भी उसी तरह से देख लेते हैं हम लोग, x2 - x1 यानी कि आपका हो गया 13 - 0 द होल स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो गया 2 - y का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो वैसे भी हमारा कितना होता है 144 होता है, उसके बाद ये क्या होगा आपका प्लस y + 3 द होल स्क्वायर, ऐसे कर लूंगी तो मेरे लिए आसान होगा ना सॉल्व करना, इसको अगर मैं साइन चेंज कर लेती हूँ तो बेटर होगा मेरे लिए, यस मैम, 13 का स्क्वायर होता है भाई मेरा 169 प्लस 2 - y² को अभी मैं ऐसे ही रखती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी बच्चों, सबसे पहले रूट को उड़ा दूंगी यहाँ से, रूट को कैसे उड़ाऊंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हाँ उसके बाद रूट जब उड़ गया हमारा तो 144 और प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को, एल्स ये सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, सो प्लस मेरा कितना होगा y पर हम वो साइज स्क्वायरिंग करेंगे फिर प्रॉब्लम होगी इसमें, नहीं बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर आप कर रहे हो तो उससे रूट ही जाएगा ना आपका, बाकी तो रहेगा, यस मैम, यस बाकी जो रहेगा तो उसको ब्रैकेट ओपन कर दो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके, सो प्लस आपका 9 + 2ab यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6y व्हिच इज इक्वल्स टू, इधर में क्या बचेगा अपना 169 प्लस अपना अगेन y स्क्वायर और देन क्या बचेगा 2 जा आपका प्लस 4 माइनस 4y एक मिनट आगे जगह नहीं है इधर ही करना पड़ेगा, ठीक है चलो कुछ कट रहा है क्या, y स्क्वायर कटेगा ना बच्चों, यस मैम, यस मैम, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, पहले ही हमने किया था, और उसके बाद क्या बचा अपने पास 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 25 तो 20 बचेगा अपने पास, माइनस 6y से 4y तो मैम 2y मैम 2y ना ना देखो, अरे अरे सुनो 6 तो प्लस में है और माइनस में, 4 को इधर लेकर आओगे तो वो भी प्लस में हो जाएगा ना, 10y 25 - 5 यहाँ पे आपका कितना बचेगा 20 so y is equals to 2 तो अभी इसको एक सेंटेंस सुंदर सा लिखना पड़ेगा इधर में, तो इसने हमसे बोला क्या था फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट इसको फाइंड करके हमको देना था, तो कौन सा कोऑर्डिनेट देंगे अभी हम इसको 0, 2 देंगे क्योंकि y तो हमें 2 मिला है, देयरफोर रिक्वायर्ड
कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आपने बताया था हाँ हाँ ठीक है ना लगा लेना इधर जगह नहीं है देख रहे हो कितनी मुश्किल से मैं लिख रही हूँ मुझे लगा था एक स्लाइड में हो जाएगा यस मैम एडजस्ट करना पड़ रहा मैम हम कर लेते हैं एडजस्ट वो तो सही बात है आप लोग बहुत एडजस्ट कर लेते हो ना बट सब जगह पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगे कि मैम बहुत खिचड़ी हो रहा है तो मैं दूसरे स्लाइड भी रख दूंगी अब स्लाइड बढ़ाने का क्या मतलब होता है वही बात है So, बच्चों मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया था आज के लिए ये मुझे कुछ चूजी क्वेश्चन लगे थे बाकी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मगर आप सब कर लोगे इतना सा भी मुझे थोड़ा सा लगा था कि हाँ कौन कौन सा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट होता है लोकस हम पढ़ ही चुके हैं अब एक ही टॉपिक को पढ़ते रहने का क्या मतलब है बोर हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज ये मेरा बेसिक था जो बताना था मुझे नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा अगला उसमें मैं थ्री कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह के बारे में बताऊंगी और भी कुछ कुछ बताना है मुझे देन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ठीक है वो सारी चीजें देखेंगे उसके बाद और कौन कौन से चैप्टर है पढ़ाने के लिए बताइए आप ही लोग ट्रिग्नोमेट्री तो है ही अच्छा एक बात बताओ मुझे मुझे एक कंफ्यूजन है आप 10th क्लास में हो तो आपका कोई टर्म 1 टर्म 2 अब नहीं होता है राइट नो मैम नो मैम नो मैम होता तो नहीं है अब फाइनल है मैम प्रिंसिपल ले रहे हैं हम ओके तो अब आपका फाइनल बड़ा वाला एग्जाम कब होगा मार्च में होगा मैम मैम जो फाइनल होगा वो मार्च में तो होगा पर स्कूल में टर्म वन और टर्म टू प्रिंसिपल के थ्रू होगा हमारे लिए वो कब होगा हाउस टेस्ट होते हैं वो मैम वो लग चुके हैं मैम हाउस टेस्ट ही होगी वो स्कूल बेसिस पर ही होगा मैम हाउस टेस्ट है मैम ये हाफ सिलेबस है मैम इसमें टर्म वन टर्म टू नहीं होगा इसमें सिर्फ जो हाफ सिलेबस होगा वही होगा सिर्फ हाउस एग्जाम लिए जाते हैं हमारी एबिलिटी भाई बच्चे थोड़े मतलब तो मेरे को इसलिए जानना था कि अगर आपका हाफ हाफ वो लोग एग्जाम ले रहे हैं तो पहले हाफ में कौन से सिलेबस आने वाले हैं वो ही मुझे जानना था बस जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं नहीं स्टार्ट कर सकती अगस्त है ना अभी तो मुझे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट सब देना पड़ेगा उसके बाद देखती हूँ कुछ और है आपका बाइनोमियल थ्योरम वगैरह कुछ है तो वो भी पढ़ाना पड़ेगा लाइंस एंड एंगल्स यस यस वो है और भी कुछ कुछ है उसके बाद आता है ट्राइंगल्स कुछ कुछ है चैप्टर्स चूजी चैप्टर्स है मुझे और मुझे फाउंडेशन के हिसाब से आपका सिलेबस मैच करना पड़ता है ऐसा नहीं कि जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया बस मैं उसको पढ़ाती जाऊँ फाउंडेशन बेसिस पे कौन सा इम्पोर्टेंट होता है स्टैटिक्स शायद नहीं होगा शायद फाउंडेशन में तो काम होना चाहिए ना बच्चा मैम प्रोबेबिलिटी मैम वो तो लास्ट चैप्टर है वो तो बहुत लास्ट है ना उससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा आपका मैम आई थिंक 10th है मैम ट्रिग्नोमेट्री में कूद जाए हम और कुछ पढ़ना ही नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं बच्चों आगे मैम ज्योमेट्री के दो चैप्टर हैं अभी है ज्योमेट्री पार करके ही ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे यस मैम ऐसा ही बोल रही हूँ मैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करके बोल रही हूँ हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले खत्म करेंगे हम लोग ठीक है और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन चूज करूंगी जैसे कि आज वाला बहुत सिंपल था ना बट पता है हमें तो ये सिंपल लग रहा है क्योंकि हमने सब पढ़ दिया है मगर फाउंडेशन में अगर आप बड़े बड़े बुक्स देखोगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में दिए हुए थे इसलिए मैंने वहां से उठाए थे यही रीजन था ओके यस मैम तो देखते हैं इस क्लास में कहाँ गए आप लोग कहाँ गए भाई हाँ ठीक है बच्चों सो गुड नाइट रात हो चुकी है आप लोग भी खा पी के आराम से सोइए सुबह सो जाइए गुड नाइट मैम गुड नाइट मैम
बाय बाय. नाइट स्वीट ड्रीम्स मैम. बाय बाय मैम. स्वीट ड्रीम्स मैम. गुड नाइट मैम. गुड नाइट मैम. बाय.